हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली टिप्स। मेरा नाम है रवि और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि योनो ऐप जो SBI योनो ऐप है उसके क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि किस तरह से योनो पे हमें रजिस्टर करना है, तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है योनो ऐप पे तो वो आप कर सकते हैं। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को और कर सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन उस वीडियो को देख के। तो अभी हम इसमें देख रहे हैं क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो अभी लॉगिन कर लेते हैं। MPIN और user ID आप किसी भी तरीके से इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम लॉगिन हो चुके हैं। तो अभी देखिए योनो पे, यहाँ पे हम टैप टू व्यू योर बैलेंस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टैप टू व्यू योर बैलेंस यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बैलेंस दिखा देगा जो 5475 रुपये ये दिखा रहा है, ठीक है। अभी ऊपर भी आप अकाउंट्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए अकाउंट बैलेंस दिखा देगा और अकाउंट के जो नंबर है वो यहाँ पे दिखा देगा। आपके डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, ये सारी चीज़ें, कुछ इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा, इंश्योरेंस वगैरह। अभी बैक कर लेते हैं हम यहाँ पे इसको। अभी नीचे आपको दिखाई दे रहा है योनो पे, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये है पैसे ट्रांसफ़र करने का और जो मोबाइल वगैरह रिचार्ज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए क्विक ट्रांसफ़र जो है इसमें आप 10,000 रुपये तक इंस्टेंटली पे कर सकते हैं बिना कोई बेनिफिशियरी ऐड करें। बेनिफिशियरी ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और लेकिन आपको 10,000 रुपये तक करने हैं ट्रांसफ़र तो आप क्विक ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसका फ़ायदा मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ट्रांसफ़र की अलग से, उस पर आपको बता दूंगा किस तरह से करना है। अभी मैं फ़ीचर्स की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। ये इस तरफ है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में आप बेनिफिशियरी ऐड करके कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। पे अ न्यू बेनिफिशियरी, इस पर क्लिक करना है और बैंक की सारी डिटेल्स आपको भरनी है। ऑब्वियसली शुरू में आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम बैक कर लेते हैं। ये शुरू में आपको लॉगिन, अपने प्रोफाइल पासवर्ड जो बनाए थे वो डालने पड़ेंगे और फिर उसके बाद अभी इस तरफ एक योनो कैश है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हम बिना कार्ड के ATM से पैसे निकाल सकते हैं। लिमिट है जो 20,000 की, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, विदड्रॉ कैश विदाउट अ फिजिकल डेबिट कार्ड। जो डेबिट कार्ड है उसके बिना भी हम कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, ATM से बिना कार्ड के भी हम ATM से पैसे निकाल सकते हैं। बस करना क्या, हमें ATM यहाँ पे क्लिक करना है। अभी देखिए ये सेविंग अकाउंट किससे करना है और अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और 4 अंकों का एक कोड डालना है और वहाँ पे जो ATM पिन है उसमें भी वो कोड आपको डालना है। तो ये आप कर सकते हैं। अभी मैं बैक कर लेता हूँ, ये फीचर्स मैं बता रहा हूँ आपको। योनो पे में अभी 3 फीचर्स और हैं। देखिए भीम यूपीआई से भी आप पैसे भेज सकते हैं, जैसे कि फ़ोनपे और गूगल पे जैसी ऐप्स में भी भीम यूपीआई का हम यूज़ करते हैं तो इसमें भी हम कर सकते हैं उसी तरह। और कॉन्टैक्ट्स को भी आप पैसे भेज सकते हैं और QR स्कैन कोड करके भी आप पैसे भेज सकते हैं, जैसे कि हम गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से स्कैन करके भेजते हैं उस तरह भी हम कर सकते हैं। और नीचे की तरफ देखिए क्विक पेमेंट्स में आपको SBI क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है उसका बिल भी आप पे कर सकते हैं। और एक देखिए गेट अ न्यू SBI क्रेडिट कार्ड, एक न्यू SBI क्रेडिट कार्ड भी आप ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए भी आप यहाँ पे। अगर आपने न्यू कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे आप ट्रैक भी कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को, कोई कार्ड है वो लिंक भी कर सकते हैं यहाँ पे आप, और कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, लिमिट्स चेक कर सकते हैं, कितने आपने खर्च किए वो चेक कर सकते हैं आप, और क्रेडिट कार्ड का बिल भी यहाँ से आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी देख सकते हैं इस साइड में आप अपने जो कार्ड है उसका। मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है यहाँ पे तो इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है। अभी बैक कर लेता हूँ मैं, योनो पे में फिर से मैं जाता हूँ और 2-3 चीज़ें यहाँ पे और दिखा रहा है। प्रीपेड मोबाइल, ये मोबाइल का आप रिचार्ज कर सकते हैं, DTH का रिचार्ज कर सकते हैं और जो और दूसरे बिल हैं उनको भी आप यहाँ से पे कर सकते हैं। तो अभी ये फीचर्स हमने देख लिया, अभी बैक करते हैं हम। ऊपर डिपॉजिट्स, आपके डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स ये सारी चीज़ें दिखा देगा, कोई लोन लिया है या अप्लाई किया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नीचे की तरफ फिर से इंश्योरेंस जो है आप यहाँ से इंश्योरेंस ले सकते हैं, अगर आपका कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी ऑलरेडी आपने बाई कर रखी है तो वो लिंक भी कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे वापस हम आते हैं और इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप जो म्यूचुअल फंड्स है वो खरीद सकते हैं। आप अपने डीमैट अकाउंट, अगर आपके पास कोई है ट्रेडिंग अकाउंट तो वो आप लिंक कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हैं एक ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। इधर ये फिर से इंश्योरेंस दिखा रहा है आपको, ये क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें इसमें फिर से दिखा रहा है। इधर एक बार मैं करता हूँ तो ये देखिए सारी जो ऑप्शंस इधर हैं वो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे जाएंगे। क्विक मेन्यू है ये, ठीक है। ये देखिए इधर शॉप एंड ऑफर्स, यहाँ पे आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं, आप बस की, फ्लाइट की, ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं। और ये देखिए फैशन एंड लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें आप कुछ भी यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और ऑफर्स भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, जो भी आपके बेस्ट ऑफर चल रहे हैं आपके लिए पर्सनलाइज्ड।
ठीक है अभी मैं वापस से जाता हूँ इधर से एक ऑप्शन, और अभी देखिए बेस्ट ऑफर्स, तो यहाँ पे आपको बेस्ट ऑफर्स मिल जाएंगे ओयो पे, 1MG, टाटा मोटर्स पे, रिनोल्ट पे, फोर्ड पे, रेमंड, ये सारी चीज़ें, ये ऑफर आपके लिए पर्सनलाइज्ड है इस ऐप में दिखा रहा है सभी। और नीचे की तरफ देखिए क्विक लिंक्स, यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट, या ये देख लेते हैं सर्विस आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें। मैनेज पिन, अपनी जो पिन है अपने डेबिट कार्ड की उनको मैनेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ब्लॉक ATM डेबिट कार्ड, ATM डेबिट कार्ड जो भी है आपका उसको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं अगर खो गया है तो, और नए ATM के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहीं से देखिए। और एक्टिवेट SMS अलर्ट्स नहीं मिल रहे आपको तो वो एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई आपने चेक लगाया हुआ है किसी को पे किया है तो वो चेक भी आप यहाँ से स्टॉप चेक करके उसको रोक सकते हैं उस चेक की पेमेंट को। यहाँ पे नीचे आप लोन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन आदि। अकाउंट में यहाँ पे आप नॉमिनी और जो भी SMS अलर्ट्स वगैरह हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ATM डेबिट कार्ड को ब्लॉक या एक्टिवेट कर सकते हैं, नए ATM के लिए भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट जो अभी मैंने बताया था, म्यूचुअल फंड्स आदि ये सब चीज़ें, और चेक्स, चेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं चेक बुक के लिए, और चेक जो आपने पे किया है कोई चेक तो वो भी आप स्टॉप कर सकते हैं यहाँ से, और पेंशन स्लिप भी आप देख सकते हैं ये जो भी आपकी है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, किस तरह से हम इस ऐप को यूज़ करते हैं, क्या क्या इस ऐप के फीचर्स हैं, अभी मैं कुछ वीडियोस और बनाऊंगा, किस तरह से हम पैसे भेज सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी कुछ सर्विसेज हैं उनकी रिक्वेस्ट किस तरह से कर सकते हैं हम, तो ये सारी चीज़ें मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जल्दी। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना, और इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ, तब तक मेरा ध्यान रखें।